शुक्र बात की चिंता हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए, रहो एक बार कहिए श्री राम है, हमारे साथ है रघुनाथ, हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। लगा जब डूबने गज तो पुकारा नाम रघुवर का, लगा जब डूबने गज तो पुकारा नाम रघुवर का। जब गजेंद्र डूबने लगा था तो उसने किसी व्यक्ति को नहीं पुकारा था, उसने यही कहा था, हे हरि मुझे बचाओ, हे हरि मेरी रक्षा करो। हम तो न जाने किस किस को बुलाते हैं, जब कोई नहीं आता तो भगवान याद आते हैं। अरे जो अंत में काम आने वाले हैं उनको अंत में क्यों बुलाओ, पहले ही बुलाओ ना उनको। लगा जब डूबने गज तो पुकारा नाम रघुवर का, लगा जब डूबने गज तो पुकारा नाम रघुवर का, लगा जब डूबने गज तो पुकारा नाम रघुवर का, लगा जब डूबने पुकारा नाम रघुवर का, ओ पुकारा नाम रघुवर का, बंधुओं बचाया ग्राह से जिसको, बचाया ग्राह से, बचाया ग्राह से जिसको, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे हर बात की चिंता, बचाया ग्राह से जिसको, उसे हर बात की चिंता, बचाया ग्राह से जिसको, उसे हर बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, ओ फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, फिर किस बात की चिंता, तो फिर कई भाव से चरण में रख दिया जब मात, चरण में रख दिया जब माथ, रख दिया तो फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता।
बोल राज रामचंद्र भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री अवध बिहारी सरकार की। तो बंधुओं, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों भगवान को लाने वाले हैं। इसीलिए कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिनकी कृपा के बिना हृदय में बैठे ईश्वर का दर्शन नहीं होता, ऐसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी पार्वती और भोलेनाथ को हम बारंबार प्रणाम करें। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आगे भवानी पार्वती और शिव को प्रणाम करने के बाद स्वतंत्र रूप में शिव की वंदना की कि वंदे बोधमय नित्य गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोति चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब श्लोक गाकर लगता तो ऐसा है मानो शिव की वंदना कर रहे हैं, पर वंदना शिव की नहीं है। शंकर रूपिणम नित्यम बोधमयम श्री गुरुम अहम वंदे, वंदना शिव की नहीं है, वंदना सदगुरु की है। सदगुरु कैसे, जो नित्य है, नित्यम। ध्यान रखना बंधुओं, शरीर से तो खैर सबको जाना है, कोई हमेशा के लिए नहीं आया। शरीर से तो सब चले जाएंगे, आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर सब जाते। पर इतना ध्यान रखना, महापुरुष शरीर से जाते हैं, गीता में भगवान ने कह दिया आत्मा नहीं मरती। तो बताओ जब आत्मा नहीं मरती तो फिर महात्मा कैसे मर सकता है, महात्मा भी नहीं मरेगा। शरीर भले मर जाए लेकिन जो सदगुरु हैं वो तो नित्य हैं, नित्यम। उनकी शक्ति उनकी चेतना कहीं नहीं जाती। आप महसूस करोगे तो आपको वो फील होगा। जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, जब चारों ओर कुछ दिखाई न दे, आप फंस जाओ, आपकी नाव मनो हिचकोले खाने लगे, डोलने लगे, ऐसे समय में आप स्मरण करना, शरीर गुरु का कहीं भी हो पर उनकी चेतना तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएगी। आंधियों में भी उसका नूर दिखाई दे जाएगा, वो चेतना कहीं जाती नहीं। और कितनी बड़ी बात कह दी कि यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सदगुरु कौन है? चंद्रमा ने भोलेनाथ का आश्रय ले लिया तो देखो तो जरा, वो चंद्रमा आधा होने के बाद भी, कलंकी होने के बाद भी पूजनीय हो गया। अब भाई कोई भोले बाबा को प्रणाम करेगा तो शिव के मस्तक पर चंद्रमा बैठा है? कोई शिव को प्रणाम करेगा तो बताओ क्या चंद्रमा को अलग से करना पड़ेगा?
भोले बाबा को कोई वंदन करेगा तो चंद्रमा चाहे कलंकी हो, चाहे आधा हो, चाहे जैसा हो, शिव को वंदन होगा तो चंद्रमा को अपने आप वंदन हो जाएगा, क्योंकि वो शिव के मस्तक पर बैठे। अब आप देखिए, उस कलंकी चंद्रमा ने, उस अधूरे चंद्रमा ने शिव के चरण पकड़ लिए, भोलेनाथ का आश्रय ले लिया, तो सारी दुनिया प्रणाम करने लगी। हम जैसे जीव भी यदि सदगुरु के चरणों का आश्रय ले जाएंगे तो बंधुओं, वो आश्रय हमें भी जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। सदगुरु के चरणों में लिया हुआ आश्रय जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त कराता है। इसीलिए यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रह सर्वत्र वंद्यते, ऐसा कहकर गुरु को वंदन किया। फिर आगे बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, बड़ा प्यारा भाव है इस श्लोक में, दोनों को प्रणाम किया जा रहा है। सबसे पहले कवीश्वर जो आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि, और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, इन दोनों को मैं वंदन करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों कौन हैं? बोले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। वाह, संस्कृत में अरण्य कहते हैं वन को, अरण्य माने वन। तो सीताराम जी के गुणग्राम रूपी उस अरण्य में, वन में विहार करने वाले ये जो कवीश्वर हैं, कपीश्वर हैं, यानी वाल्मीकि जी और हनुमान जी, मैं इन दोनों को वंदन करता हूं। ये हमेशा भगवान की कथा रूपी वन में विचरण करते रहते हैं, ये दोनों हमेशा कथा में डूबे रहते हैं। आप लोग वैसे वन में जाते हो, चलो और किसी वन में नहीं जाते तो वृंदावन तो जाते हो ना, कौन कौन जाता है? आप सब वृंदावन जाते हो, हमारे महाराज जी भी आते हैं खूब, तो वृंदावन में तो आप जाते हो ना। अब वृंदावन जाने में कोई रोक टोक तो नहीं है महाराज जी? जो चाहे सो चला जाए, क्या कोई रोकता है? आप वृंदावन में प्रवेश करते हो, कोई ये तो नहीं कहता कि भाई तुम नहीं आ सकते, क्योंकि संसार का द्वार चाहे किसी व्यक्ति के लिए खुला होगा पर बांके विहारी का द्वार तो सबके लिए खुला हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे, प्रभु का द्वार तो सबके लिए खुला। तो वन में आप जाओ, कोई कठिनाई नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे सो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे भी तो इस राम कथा के वन में प्रवेश करना है। राम कथा लिखने बैठे हैं ना, विस्तार करने बैठे हैं, मुझे भी इस वन का अवलोकन करना है, इस राम कथा रूपी वन को देखना है। तो बोले आपको मना किसने किया? आप जाओ अंदर, कोई रोक टोक नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं वन में अंदर जाने में रोक टोक तो नहीं है कोई, पर खोने का डर तो है। वन में कोई भटक जाए तो निकलना मुश्किल होता है। वन में कोई चला जाए, रास्ता मालूम नहीं, खो जाएगा, भटक जाएगा, भटकने का डर है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस वन में प्रवेश किया है पर मुझे भटकने का डर नहीं है, क्योंकि एक ओर से महर्षि वाल्मीकि ने हाथ पकड़ लिया, दूसरी ओर से हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, और इन दोनों ने इस वन को देख रखा है, तो इनके आश्रय में मैं भी इस राम कथा के वन का अवलोकन करके आऊंगा। इन दोनों की कृपा से मैं भी इस प्रभु की कथा के वन का दर्शन करूंगा।
प्रेम से कहिए श्री राधे। इसीलिए वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो, इन दोनों महापुरुषों के चरणों में हम लोग भी बारंबार प्रणाम करें। आगे जगत जननी मां भगवती भास्वती मां जानकी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतो हम राम बल्लभाम। सीता जी को प्रणाम किया और मां के छह गुण भी बताए हैं यहां। उद्भव स्थित संहार कारिणी, चौथा गुण क्लेश हारिणी, पांचवा सर्वश्रेयस्करी और छठा गुण राम बल्लभाम। इस श्लोक में मां के ये छह गुण बता दिए। अब मैं विस्तार करूं इस श्लोक का तो समय लगेगा बंधु, क्योंकि इस श्लोक में छह विशेषण बताकर न जानकी कहा, न उनको किशोरी कहा। यदि नाम लिया तो सीता नाम लिया। क्या कहा? सर्वश्रेयस करीम सीताम, सीता नाम लिया। और जितने भी ये छह विशेषण बताए हैं, सीता शब्द से इन छहों की पूर्ति होती है। अनेक अर्थ हैं। सुप्रेरणे धातु से अर्थ करोगे तो अलग अर्थ बनेगा, शिन बंधने धातु से अर्थ करें तो अलग अर्थ बनेगा, सवतीति सीता, स्यतीति सीता, सवतीति सीता, अनेक अर्थ सीता शब्द के महापुरुषों ने आचार्यों ने बताए। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं उद्भव स्थिति पालन करने वाली नहीं, वो तो उनका गुण है, क्लेश हरने वाली नहीं, कल्याण देने वाली मां को मैं प्रणाम नहीं करता। प्रणाम किसको किया? वो तो उनके गुण हैं, पर प्रणाम यदि मैं कर रहा हूं तो न तो हम राम वल्लभां। मां का गुण है, पालन भी करती हैं, उत्पत्ति भी करती हैं, प्रलय भी करती हैं, कल्याण भी देती हैं, क्लेशों को भी हरती हैं, वो सब उनकी महिमा है, वो शक्ति का एक लक्षण बताया। लेकिन प्रणाम जब किया तो प्रणाम उसको किया जो राम की प्रेयसी हैं, जो राम वल्लभा हैं, जिनको राम प्यार करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं भैया मैं तो सारे संसार को तभी प्यार करता हूं क्योंकि सारे संसार को मेरे राम जी प्यार करते हैं, और जिसको राम जी प्यार करते हैं उसको मैं प्यार करता हूं। हालांकि वो अलग नहीं है, सीता और राम तो एक ही है, युगल सरकार में भेद नहीं, पर फिर भी गोस्वामी जी का स्वभाव है वो सबको राम के नाते ही मानते हैं। तो इसीलिए न तो हम राम वल्लभा। फिर आगे भगवान श्री राम के चरणों में वंदन कर रहे हैं के अन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवास्वरा यत्सत्वा दमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवा बोधे स्थितिर्षावता वंदेहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरि। इस श्लोक में भगवान राम को वंदन किया। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, अखिलम विश्वम यन माया वशवर्ति अस्ति, ये सारा संसार जिनकी माया के वश में है। ब्रह्मादि देवासुरा यन माया वशवर्तिनः संति, केवल संसार उनकी माया के वश में नहीं, ये ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं ये सब भी भगवान की माया के वश में है। तभी तो देखो हम लोग कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खाते हैं, कभी पीते हैं,
कभी उठते हैं कभी बैठते हैं, ये कौन कर रहा है? ये सब भगवान की माया ही तो कर रही है, माया ही तो नचाने वाली है। राम सबको नचाते हैं, शक्ति माया है। इसीलिए तो मेरे प्रभु कहते हैं भैया मेरे पास ये दो ही हैं, जो चाहो सो ले जाओ, माया चाहो तो माया ले जाओ, भक्ति चाहो तो भक्ति ले जाओ। राम जी कहते हैं इन दोनों में से जो मांगोगे मैं दे दूंगा। भक्त पूछता है कि प्रभु दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इंसान भी तो चालाक है, ऐसे कैसे ले लें, पहले बताओ तो सही अंतर क्या है। राम जी कहते हैं अंतर बड़ा सीधा सा है भैया, यदि संसार में नाचना चाहते हो तो मेरी माया ले जाओ, और यदि मुझे नचाना चाहते हो तो मेरे से मेरी भक्ति ले जाओ। यदि तुमको नाचना है, खूब चक्कर खाने हैं दुनिया में, उन 84 लाख योनियों में भटकना है, तो भगवान कहते हैं फिर मेरी माया ले जाओ। पर तुम चाहते हो कि मैं नाचूं, तुम नचाओ, तो मेरे से मेरी भक्ति ले जाओ, क्योंकि ज्ञानी नहीं नचा सकता। बांके बिहारी को या मेरे राम जी को कोई नचा सकता है तो प्रेमी ही नचा सकता है, ज्ञानी के वश में नहीं नाचते, प्रेमियों के वश में प्रभु नाचते। प्रेम के बंधन में प्रभु बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमी नचाता है। तो माया भगवान से मत मांगना कभी, माया से तो हम नाच ही रहे, पूरा जीवन नाचता ही रहता है इंसान। मैंने सुना हॉस्पिटल में डॉक्टर ने किसी का इलाज किया, जब वो व्यक्ति ठीक हुआ उसको काफी चोटें आई थी, जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि भगवान का शुक्र है तुम बच गए, भगवान को धन्यवाद दो। तो वो व्यक्ति बोला कि डॉक्टर साहब मैं बच गया? बोले बिल्कुल ठीक हो तुम, बच गए हो। ये सुन के वो रोने लगा, बोले तू रो क्यों रहा है? बोले डॉक्टर साहब मुझे बचने की कोई खुशी नहीं, क्योंकि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे लिखा हुआ था जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अब बच तो गया, कहीं फिर ना मिल जाए वो, फिर मारेगा, इससे अच्छा तो मर ही जाता। संसार में यही जीने मरने का खेल लगा रहता है। यन माया वशवर्ती, ये माया प्रभु के वश में है जो नचा रही है जीव को। परंतु एक बड़ी प्यारी बात कह दी कि यत् पाद प्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावतम्। एक ऐसी नाव बता रहे हैं जो अपने में बड़ी अनोखी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी नाव कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, ये एक ही है, दूसरी कहां से लाओगे? यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम एकम एव हि भवाम, ये नाव एक ही है। संस्कृत में प्लव कहते हैं नौका को, और ये नौका कौन सी है? यत् पादप्लव। गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया ये नाव कोई दूसरी नहीं है, और नौकाएं तो टूट जाएंगी, पानी में डूब जाएंगी, पर एक नाव बड़ी मजबूत नाव है जो टूटती नहीं है, पानी में डूबती नहीं है, और वो नाव यदि कोई है तो राम जी के चरण हैं। इस नौका में यदि कोई बैठ गया तो बिना डूबे भवसागर से पार हो जाएगा। बोधे स्थिति रुषावता, ये एक अनोखी नौका है जो डूबती नहीं है। तो ऐसे उन भगवान श्री राम के चरणों में भी हम बारंबार प्रणाम करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। अंतिम वंदना के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोती। कहते हैं कि मैंने ये जो संकल्प लिया है प्रभु की कथा को गाने का लिखने का, तो इस रामचरितमानस में पुराणों का भी सार है और निगम यानी वेद। नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टय इति निगमो वेदः। इस रामचरितमानस में पुराणों का भी सार है और निगम यानी वेदों का भी सार है और क्वचिदन्यतोपि कुछ मेरा भी भाव है, कुछ मैंने अपने दिल के भाव भी रखे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस कथा को क्यों गा रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे मन प्रबोध जेही होई। मैं तो अपने मन को आनंद देने के लिए गा रहा हूं। बंधुओं आप लोग भी कथा में आकर बैठना, तो कथा किसी और को नहीं सुनानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब लोग कथा में बैठते हैं ना तो वो बगल वाले पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये सुनता है या नहीं, और अपना भूल जाते हैं कि हम सुन रहे हैं या नहीं। और माफ करना, कईयों की तो समाधि भी लग जाती है। समाधि यानी वो हिमालय वाली नहीं, कौन सी समाधि, वो खर्राटों वाली। कईयों की समाधि भी लग जाती है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कथा किसी दूसरे के लिए नहीं है। कोई दूसरा सुनता है या नहीं ये चिंता छोड़ दो, यदि कथा सुनानी हो तो अपने मन को सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे मन ने कथा सुन ली तो समझ लेना तुमको राम जी मिल गए साक्षात। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। कथा अपने मन को सुनाओ, क्योंकि जब कथा सुनाई जाती है तो वक्ता श्रोता का नाम लेता है। जिस समय याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुनाएंगे, आप सुनोगे, बार बार नाम भी लेंगे, भरद्वाज सुनू, भरद्वाज जी सुनिए। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो बार बार नाम लेते हैं, कभी परीक्षित कहते हैं, कभी राजर्षि कहते हैं, और भोले बाबा जब पार्वती को सुनाते हैं तो बार बार नाम लेते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कभी उमा कहते हैं, कभी भवानी कहते हैं, श्रोता का नाम ले रहे हैं। काकभुसुंडी जी जब आगे गरुड़ जी को कथा सुनाएंगे तो वो भी बार बार नाम लेंगे, सुनऊ खगेशा। और मैं भी बीच बीच में कहता हूं ना, बंधुओं या महापुरुष, कोई सज्जन बोलता है, कोई बंधु बोलता है, कोई भाई बहन बोलता है, ये श्रोता को पुकारा जाता है। पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किसको कथा सुनाई? काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी किसको सुना रहे हैं? बोले वो किसी और को नहीं, वो अपने मन को सुना रहे हैं, अपने आप को सुना रहे हैं। यही उनकी महिमा कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन को कथा सुनाओ, अपने हृदय को कथा सुनाओ। और गोस्वामी जी बार बार नाम भी तो लेते हैं, पाए न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। मानस जी के अंत में देखो यही कह रहे हैं, अरे मन अभी भी समय है, समझ जाती
राम का भजन करके किसको गति नहीं मिली? पाहीन के ही गति पतित पा